हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति वैष्णविला। आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये ड्रेस बनाने वाले हैं। हमने देखे यहाँ पे डबल फ्रिल की ड्रेस बनाई है। इसे बनाना बहुत ही इजी है। सिर्फ आपको इस तरह का चंदेरी का फैब्रिक चाहिए, नेट चाहिए और ये लेस एक पतली सी चाहिए। तीन चीज़ की हेल्प से आप बना सकते हैं। ये देखिए, ये है पाँच नंबर ये काना जी, मैं पाँच नंबर को पहना रही हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैष्णविला 50, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये देखें, दोनों तरफ की डोरी जो है वो हम एक्सचेंज कर लेते हैं तो हमारी फिटिंग जो है वो थोड़ी अच्छी आ जाती है। इस तरह से ये मैंने एक्सचेंज कर ली है और एक्सचेंज करने के बाद इसे मैं बांधूंगी पीछे ही ले जाके। ये इधर से भी हमारी एक्सचेंज हो गई है और इसे हम पीछे बांध लेंगे। ये इस तरह से बांध दिया मैंने पीछे। ये ड्रेस आप चार नंबर को भी पहना सकते हैं, पाँच नंबर को भी और छः नंबर के कान्हा जी को भी। तीन साइज को ये आ जाएगी ड्रेस। ये इस तरह से यहाँ पे मैंने नॉट लगा दी। अब देखिए, पीछे से इनकी जो चोली है वो अंदर की साइड से इस तरह से हल्का हल्का सा खींच के सेट कर लूँगी। आप देखिए, हमारी ड्रेस रेडी हो गई है। कितनी सुंदर लग रही है और इसे बनाना बहुत ही ईजी है। ये मैं उठा के दिखा देती हूँ, आप देखें ये इस तरह से आई है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमने इसे कैसे बनाया हुआ है। ये देखिए गाइस, सबसे पहले मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर में फैब्रिक लिया हुआ है। ये देखिए, ये हमारा नेट का फैब्रिक है। अगर आप यहाँ पे इसकी चौड़ाई देखेंगे तो ये देखिए, इसकी चौड़ाई मैंने 5 इंच रखी है और ये देख सकते हैं आप कि मैंने डबल करके लिया है, मतलब 10 इंच चौड़ाई ली है। तो जब डबल करके इसे प्रेस कर दिया तो ये हमारा 5 इंच का हो गया है। और इसकी जो टोटल लंबाई है वो हमने 45 इंच रखी है। यहाँ पे मैंने सेम तरीके के दो पीसेस लिए हैं। अब ये दोनों हमारे आपस में ज्वाइंट हो जाए इसलिए हम यहाँ पे एक सिंपल सीधी सी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे इस पर सिलाई लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, इस पर अपनी प्लेट बनाएंगे। किस तरह से प्लेट बनानी है आप देखें, यहाँ पे ये ऐसे चौड़ी सी प्लेट बनाएंगे, चौड़ी चौड़ी हमें प्लेट बनानी है। ये इस तरह से ये एक प्लेट हमने स्टिच कर दी, यहाँ सुई हमारी अंदर गई, उठा लेंगे। उठाने के बाद फिर से यहाँ पे हमें इस तरह से ऐसे चौड़ी सी प्लेट बनानी है। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे 45-45 इंच की लंबाई के दो पीसेस लिए हैं। जरूरी नहीं है कि आप दो पीसेस लें, मैं एकदम घनी प्लेट बनाना चाहती थी इसलिए मैंने दो पीसेस लिए हैं। अगर आप एक पीस भी लेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। ये देखें, इस तरह से यहाँ पे मैं एकदम पास पास कई सारी प्लेट मैंने बनाई है और इसे सिल दूंगी। ये इस तरह से, ये इस तरह से हमने सिलाई लगाई, सुई हमारी फिर से अंदर गई और फिर हम यहाँ पे वही चीज करेंगे। ये देखें, ये चौड़ी चौड़ी मैं प्लेट बना रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से एकदम पास पास। अगर आप यहाँ पे 45 इंच लंबाई का सिर्फ एक पीस ले रहे हैं तो आप अपनी प्लेट यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे डालें, नहीं तो फिर आपकी पूरी कमर ही नहीं आएगी। ये देखिए, फिर मैंने इतनी दूर प्लेट बनाई और यहाँ पे ऐसे अपनी चारों उंगली रखूंगी और रखने के बाद इसे हम सिल देंगे। प्लेट बनाते वक्त हमें ध्यान देना होता है कि हमारी प्लेट जो है वो नीचे की साइड से बराबर रहे। ये देखिए, हमें यहाँ से ध्यान देना होता है कि ये जो हम प्लेट इस तरह से ऐसे बना रहे हैं, ये ऐसे करके हमने यहाँ पे प्लेट बनाई तो ये प्लेट हमारी यहाँ नीचे की साइड से बराबर होनी चाहिए। ऊपर मान लीजिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नेफा लगाएंगे एडजस्ट हो जाएगा, बट नीचे की जो साइड है वो हमारी एडजस्ट नहीं होती है। तो इस तरह से आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। ये हमने यहाँ पर अपनी सारी प्लेट्स डाल दी है। डालने के बाद इसे थोड़ा सा जहाँ तक हमारी लास्ट प्लेट स्टिच होगी वहाँ तक सिलेंगे। सिलने के बाद इसे फिर ऊपर उठा लेंगे। अब देखिए, मैं यहाँ पे अपना दूसरा पीस अटैच कर दूंगी। अगर आप इसी की अभी लंबी लंबी प्लेट डाल देते तो आपका इतने में ही वो हो जाता। दूसरी प्लेट डालने हैं दूसरे फैब्रिक से तो इसे हम थोड़ा सा चौड़ा मोड़ेंगे, हल्का सा चौड़ा मोड़ के और फिर हम इस पर अटैच करेंगे। जैसे हम अपनी सारी प्लेट बना रहे थे वैसे ही हमें इसे भी बनाते चले जाना है, कोई चेंज नहीं होगा। ये देखें, यहाँ पर इस तरह से अंदर डालेंगे। डालने के बाद यहाँ नीचे से हम इसे अच्छे से बराबर करेंगे और बराबर करने के बाद हम इसे सिल देंगे। ये इसे मैं थोड़ा सा नीचे वाले पीस को सेट कर लेती हूँ। ये थोड़ा सा जा रहा है नीचे इस तरह से, पहले हम इसे सिल देते हैं नहीं तो फिर ये देखिए नीचे से निकल जा रहा है, हमारी प्लेट एकदम अनइवन हो जाएगी। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना जरूरी होता है। देखिए, मैंने पूरा सिल दिया और फिर से यहाँ से उठा के ये हम इसे पीछे लेके आ जाएंगे, जहाँ तक हमारी प्लेट है वहाँ तक, जहाँ से हमें अपनी प्लेट बनानी है वहाँ तक इस तरह से करेंगे। अब फिर इसे उठाएं और अब हम अपनी प्लेट बनाएंगे तो बराबर आएगी। इस तरह से थोड़ा सा चौड़ी करके और इसे बना दूंगी। ये ऐसे करके यहाँ से हमें लगा लेना है। ये देखें,
दूसरी प्लेट गई, ये हमारी तीसरी प्लेट गई, ये हमारी चौथी प्लेट गई। इसी तरह से अपनी सारी प्लेट हम यहाँ पे बनाएंगे। तो चलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करती हूँ और हम इसे जल्दी जल्दी से बना देते हैं। ये देखिए हमारा ये एक तो स्टिच हो गया है, इसे मैं साइड करती हूँ। और अब हमने यहाँ पे ये चंदेरी का फैब्रिक ले लिया है। ये अगर मैं इसकी आपको चौड़ाई दिखाऊं तो इसकी चौड़ाई जो है वो 3 इंच है और लंबाई टोटल 45 इंच है। जितना अर्ज था वो मैंने पूरा कट कर लिया है। हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से इस तरह से मोड़ेंगे। ये देखें, ये इस तरह से 2 बार मोड़ना है और मोड़ने के बाद इसे हम स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे एक हमें सिलाई लगानी है। आप चाहें तो इसे टिश्यू रिबन या किसी भी रिबन की हेल्प से भी लॉक कर सकते हैं, और जिनके पास नहीं है वो इस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे स्टिच कर देती हूँ। ये देखिए, ये हमारा स्टिच हो गया, इसे मैंने सीधा कर लिया। अब सीधा करने के बाद मेरे पास ये देखिए समोसे वाली लेस है, वो मैं इस पर अटैच करूंगी। ये इस तरह से हमें यहाँ पे लगानी है, ये ऐसे करके लगाएंगे। चलिए इसे मैं इससे यहाँ पे स्टिच कर देती हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पे लेस लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉरी ये देखिए इस तरह से प्लेट बना लेंगे। ये ऐसे करके जैसे हमने उस पर प्लेट बनाई है वैसे ही बनानी है, बट इस पर हम थोड़ी सी चौड़ी प्लेट डालेंगे क्योंकि ये हमने 45 इंच ही लंबाई का लिया है और वहाँ पे हमने 45 इंच लंबाई के 2 पीसेस लिए थे। तो स्टिच का ध्यान देना है हमें। ये ऐसे करके यहाँ पे अपनी प्लेट बना देते हैं, ये इस तरह। ये देखें, फिर यहाँ पे हम अपनी प्लेट बनानी है, ये ऐसे यहाँ नीचे से बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद इस पे ऐसे अपनी चार उंगली रखेंगे और रखने के बाद इसे हम स्टिच कर लेंगे, ये इस तरह से। ऐसे ही हमें यहाँ पे अपने पूरे फैब्रिक को प्लेट बनानी है। चलिए बना लेती हूँ, फिर बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए, ये हमारा ये पीस भी रेडी हो गया है। अब ये वाला जो पीस है वो मुझे थोड़ा सा लंबा लग रहा है। देखिए, अगर इस पर इस तरह से रख रही हूँ तो लगभग हमारा आधा यहाँ पे बच रहा है, बट ये बचना चाहिए इतना। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसका ये जो लंबाई है वो थोड़ा सा छोटा करूँगी। किस तरह से छोटा करते हैं ये देखें, यहाँ पे ऐसे इसे हम पूरा सीधा कर लेंगे। ये देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, फट से हो जाएगा। ये पूरा हमने सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद यहाँ बस एक सिलाई लगानी है। मैं अपना हाथ थोड़ा सा कैमरे की इधर से कर लेती हूँ। ये देखेंगे, इस तरह से किया और यहाँ पे एकदम सिंपल सीधी सी सिलाई लगानी है, ये हमारा छोटा हो जाएगा। चलिए सिलती हूँ। ये देखिए, मैंने इसे जो एक्स्ट्रा था उसे कट भी कर दिया यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों को एक साथ स्टिच कर लेंगे। ये देखें, ये ऐसे एक दूसरे के ऊपर रख के हमें दोनों को सिल लेना है। चलिए सिल देती हूँ। ये देखिए, इसे इस तरह से इसे हम मेज़र करेंगे। ये भी हमारा इतना ही होना चाहिए इसकी लंबाई। ये देखें, ये ऐसे करके, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मेरी लंबाई जो है लगभग 1/2 इंच एक्स्ट्रा है। तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा क्या करना है, यहाँ से स्टार्टिंग में ही इसे 1/2 इंच ऐसे मोड़ लें और मोड़ने के बाद तब हम इसे इस तरह से इस पर लगाएंगे, ये ऐसे करके। बस यहाँ पर हमें इसे सिल देना है इसके साथ। कोई पेमेंट करेगा लग रहा है।
ये देखिए हमने यहाँ पे ये इतना लगा लिया है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है गाइस ड्रेस, एकदम सिंपल और आसान तरीके की है। अब देखिए ये नेफा लगाऊंगी, नेफे के लिए मैंने अपना रेड कलर वाला फैब्रिक लिया है। लंबाई हमने रखी है 8 इंच और चौड़ाई हमारी जो है वो है 2.5 इंच। हमें क्या करना है, यहाँ से एक बार मोड़ना है और उसके बाद इधर से इस तरह से मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद हम इसे पीछे की साइड से लगाना शुरू करेंगे। यहाँ पीछे की साइड से हमें इसे लगाना है इस तरह से। तो चलिए इसे मैं सिल देती हूँ। ये देखिए हमने सिल दिया, सिलने के बाद यहाँ से 1/2 इंच रख रख के बाकी का फैब्रिक कट कर दिया है। अब क्या करेंगे, इसे हम पलट के यहाँ पे इस तरह से स्टिच करेंगे और इसमें हम डाल देंगे डोरी। मैं यहाँ पे डोरी कट कर लेती हूँ, ये मैंने डोरी ले ली। यहाँ पे डोरी डालेंगे, फिर इसे इस तरह से इस पर पलट के और सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे आपको अपनी सिलाई को लॉक जरूर करना है और दूसरी चीज, डोरी के ऊपर से सिलाई ना लगाएं। चलिए सिल देती हूँ। ये देखिए ये हमारा रेडी हो गया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये इस तरह से पूरी इसकी फ्रिल आएगी, ये देखिए ये पूरी हमारी डबल फ्रिल है इसकी, बहुत खूबसूरत सी आएगी। आप कान्हा जी को पहनाएंगे, पहना हुआ बहुत ही सुंदर लगेगा। अभी मैं कान्हा जी को भी पहना के दिखा दूंगी। ये देखिए ये इस तरह से पूरी आएगी और इसे आप बहुत इजीली बना सकते हैं गाइस, कोई दिक्कत नहीं होती है इसे बनाने में। तो हमारी ड्रेस जो है कंप्लीट हो गई है, चोली बना लेते हैं। चोली के लिए हमने यहाँ पे ये फैब्रिक लिया हुआ है, इसकी जो लंबाई है वो हमने यहाँ पे रखी है, देखिए टोटल हमें रखनी है 12 इंच। तो यहाँ पे 12 इंच थोड़ा सा अधिक है, मैं कट कर लेती हूँ। ये मैंने कट कर लिया। अब हमें क्या करना है, थोड़ा इधर से मोड़ेंगे और थोड़ा सा इधर से मोड़ेंगे, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के, और इस पर हमें सिलाई लगानी है। आप चाहें तो यहाँ पे सिलाई लगाते वक्त ही अपनी लेस भी अटैच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अटैच कर दूँगी सिलाई लगाते वक्त ही अपनी लेस भी, इस तरह से ये ऐसे करके सिल देना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसे स्टिच कर लेते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसे हम इस तरह से डबल करेंगे और डबल करने के बाद यहाँ सेंटर से कट कर लेंगे। सेंटर से कट करने के बाद ये लेस जो है, ये देखिए ये इस तरह से अंदर चली जाएगी और यहाँ ऊपर की साइड से हम इसे तिरछा करके स्टिच कर देंगे। ये हमने यहाँ पे इसे सिल दिया है। अब देखिए ये इस तरह से हो गया है। आप चाहें तो इसे अपने ड्रेस के साथ स्टिच कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे यहीं से अलग से डोरी लगा के चोली अपनी अलग से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने ड्रेस के साथ ही इसे स्टिच कर दूंगी। यहाँ पे थोड़ा मोटा हो गया है बट हम इसे स्टिच कर लेंगे, तो ये गायब नहीं होती है चोली स्टिच कर लेने से। चलिए मैं इसे स्टिच कर लेती हूँ। ये मोटा हो गया इतना, धागा टूट रहा है बार बार, बट मैं इसे यहीं पर सिलूंगी। ये हमारा देखिए यहाँ पे अटैच हो गया है। अगर आप नहीं सिल पा रहे हैं तो आप इसे सुविधाई की हेल्प से भी सिल सकते हैं। ये देखिए गाइज मैंने यहाँ पे पोशाक जो है वो कान्हा जी को पहना दी है, एकदम सिंपल और आसान तरीके से हमने इसे बनाना आपको बताया हुआ है और इसे पहना के मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया। अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। ये पोशाक आप 6 नंबर, 5 नंबर और 4 नंबर तक के कान्हा जी के लिए बना सकते हैं। आई होप गाइज वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।